हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 4 जनवरी 2023। देखा जाए आज इस आईपीओ के अंदर क्या क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। हम बात करेंगे एनलॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के बारे में। देखा जाए तो ये आईपीओ करीब करीब डबल होने हो चुका है, और इस आईपीओ के अंदर क्या करना चाहिए और अलॉटमेंट के अंदर क्या करना चाहिए, सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और रेक्स सीलिंग एंड पैकिंग आईपीओ को भी देखेंगे, इसका आखिरी दिन था। और एसवीएस वेंचर्स को भी देखेंगे, इसके अंदर भी आखिरी दिन था और आखिरी दिन क्या हुआ, कितना सब्सक्रिप्शन आया और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। और साथ साथ में बात करेंगे आरबीएम इंफ्राकॉन, जिसकी जबरदस्त बम्पर लिस्टिंग देखने को मिली, जो उम्मीद थी उससे भी ज्यादा इसके अंदर लिस्टिंग देखने को मिली। सारी बातें सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कहूँगा, जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को एक लाइक करते चलो और साथ साथ में सब्सक्राइब भी करो, ताकि नई नई वीडियोज नई नई नॉलेज मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ। चलो देखते हैं 4 जनवरी आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है आज की डेट में। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। हम बात करें एनलॉन टेक्नोलॉजी के अटेंडेड टाइम टेबल के बारे में, क्योंकि आई पी ओ देखा जाए 29 तारीख को आया था और 2 तारीख को क्लोज़ हो गया था। जिस तरह का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला इस आई पी ओ के अंदर, वो भी देखते हैं, ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन आया। उसके मेन डेट जो सामने आती है अलॉटमेंट की, तो बेसिक अलॉटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो हमको बेसिक अलॉटमेंट कल के दिन 5 जनवरी 2023 को देखने को मिलेगा। और आई पी ओ किस तरह चेक करते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहना, कोई पार्ट मिस मत कर देना, तो आपको बाद में नॉलेज के प्रॉपर ना हो पाए। फिर इसलिए देखते हैं, चलो इस आईपीओ के बारे में देखा है। तो कल इसका अलॉटमेंट है और साथ साथ में आज के दिन में क्या ग्रे मार्केट चल रहा है वो भी देखेंगे। और इसका आज रिफंड के बारे में बात करते हैं, तो 6 तारीख को रिफंड हो जाएगा और डीमेट अकाउंट में 9 तारीख को ये अकाउंट में आ जाएगा। और डीमेट अकाउंट में आने के बाद बात करते हैं हम आईपीओ की लिस्टिंग की, तो उसके बाद 9 तारीख को डीमेट अकाउंट में आएगा, 10 तारीख को हमको ये लिस्टिंग देखते हुए दिखी होंगी। चलो आईपीओ का आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो देख लेते हैं। उससे पहले कौन जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब करो। और उससे पहले आईपीओ थोड़ी डिटेल बात करें टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो इस आईपीओ के अंदर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल का भी कोटा रखा गया था। ये एसएमई आईपीओ के अंदर करीब करीब देखा जाए तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल का 54 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर के बारे में बात करते हैं, इनका करीब करीब 883 टाइम्स 883 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। जबरदस्त सब्सक्रिप्शन आया, क्योंकि यह एक एसएमई आईपीओ था और एसएमई आईपीओ में इस कदर जिस तरह का इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आया है, बहुत कम आईपीओ में देखने को मिलता है। और बात करते हैं रिटेल के बारे में, तो रिटेल भी इसके अंदर जबरदस्त हिस्सा लिए हैं। देखा जाए तो करीब करीब रिटेल इन्वेस्टर का भी 447 टाइम्स भी इसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स का आया हुआ है। और जिस तरह रुझान देखने को मिल रहा है और टोटल इन्वेस्टर के बारे में बात करते हैं, तो टोटल जो इसके अंदर सब्सक्रिप्शन अभी तक आया है 428 टाइम टोटल सब्सक्रिप्शन आया है। चलो देखते हैं इसके अंदर आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, उससे पहले आईपीओ को डिटेल देखते हैं और साथ साथ में कितना कोटा ऑफर हुआ वो भी देख लेते हैं। अगर इस आईपीओ को हम डे बाई डे के बारे में बात करते हैं, तो फर्स्ट डे कुछ खास रुझान दिखा नहीं, करीब करीब देखा जाए तो 22 टाइम्स आया। सेकंड डे देखा जाए तो 75 टाइम्स आया। और लास्ट दिन आखिरी दिन देखा जाए तो करीब करीब 428 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। और साथ साथ में आईपीओ के जो शेयर्स ऑफर हुए वो देख लेते हैं। देखा जाए तो क्यूआईबी का करीब करीब इसके अंदर टोटल सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए इस आईपीओ का अमाउंट के बारे में बात करते हैं, तो 15 करोड़ का ये आईपीओ था जिसके अंदर लोगों को ऑफर हुआ है फिलहाल अभी तीनों को, क्यूआईबी का, एचएनआईएस का और रिटेल का। 10 करोड़ के अंदर ये पूरा खेल देखा जा रहा है फिलहाल। अगर बात करते हैं आईपीओ को, तो क्यूआईबी के अंदर इसके अंदर करीब करीब 28% क्यूआईबी का रखा गया, जिसका अमाउंट देखा जाए करीब करीब 2 करोड़ 84 लाख होता है। जो शेयर्स ऑफर हुए करीब करीब 2 करोड़ 84 लाख 400 शेयर्स ऑफर हुए हैं। और बात करते हैं एचएनआईएस की, तो इसके अंदर एचएनआईएस का 21% एचएनआईएस को ऑफर हुए हैं, जिसके अंदर 2 करोड़ 14 लाख बनते हैं। यानी और टोटल शेयर्स जो देखने को मिलेंगे करीब करीब 2 लाख 13 हज़ार 600 शेयर्स ऑफर हो रहे हैं। और बात करेंगे 2 लाख 13 हज़ार 600 शेयर्स के लिए 800 टाइम्स यानी 800 टाइम्स या वर्ष सब्सक्रिप्शन या आईपीओ आया हुआ है। ये बात ये कर सकते हैं कि 2 लाख 13 हज़ार 800 के लिए 800 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। और उसके बाद आखिर में आते हैं हम जैसे आप जैसे रिटेल के बारे में, तो अगर रिटेल के बारे में देखते हैं तो इसके अंदर रिटेल को 50% ऑफर हुए हैं और टोटल अमाउंट देखा जाए तो करीब करीब 5 करोड़ हो रहा है। यानी ये कह सकते हैं जो रिटेल को ऑफर इसके अंदर आया है करीब करीब 447 में, यानी 5 करोड़ के लिए 447 टाइम सब्सक्रिप्शन ये आया है। जो टोटल रिटेल के लिए जो शेयर्स ऑफर हुए करीब करीब 499 हज़ार
200 शेयर्स। और टोटल बात करते हैं आईपीओ के अमाउंट की, तो करीब करीब 10 करोड़ सामने आ रहे हैं, जो 100% हो रहा है। टोटल अगर शेयर्स देखा जाए तो टोटल शेयर्स इसके अंदर आ रहे हैं 9,97,200। फिलहाल चलो देख लेते हैं आईपीओ को डिटेल देख लेते हैं, और आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। बात करें एनलॉन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन आईपीओ के बारे में, जो 29 तारीख को आया था, 2 जनवरी को क्लोज हो गया था। फेस वैल्यू इसका रखा गया था करीब करीब 10 रुपये। आईपीओ प्राइस 100 रुपीज़ रखी गई थी। एक लॉट के अंदर करीब करीब 1200 शेयर्स रखे गए थे। जैसे मैंने बताया कि 15 करोड़ का ये इश्यू साइज है, लेकिन ये 15 करोड़ का इश्यू साइज दिख रहा है, लेकिन अमाउंट जो 5 करोड़ है वो कम हो चुका है ऑलरेडी, और जो 10 करोड़ का अमाउंट बचा हुआ है उसके अंदर से ये हमको तीनों को भी देखने को मिलेगा। और लिस्टिंग की बात करते हैं तो ये हमको NSE SME पर लिस्ट होता दिखाई देगा, क्योंकि SME IPO है जो हमको NSE पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, NSE की वेबसाइट पे। और साथ साथ में बात करते हैं इसके PE की, देखा जाए तो आज के डेट में 11 के PE ट्रेड कर रहा है। और मार्केट कैप देखा जाए एनलॉन टेक्नोलॉजी का, फिलहाल 56 करोड़ का मार्केट कैप है। देखते हैं IPO आने के बाद, फिलहाल हो सकता है ये हमको 100 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिले। फिलहाल अगर QIBs का जो शेयर्स ऑफर हुए, करीब करीब 50% शेयर्स ऑफर हुए हैं। और HNIs के बारे में बात करते हैं, तो चाइनीज को 15% इसके अंदर ऑफर हुए हैं, लेकिन 15% के लिए करीब करीब 800 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, वर्ष सब्सक्रिप्शन आया हुआ। रिटेल को जो इसके अंदर ऑफर हुआ था वो 35% हुआ था, और रिटेल का दिखाया था करीब करीब 400 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। और चलो देख लेते हैं आईपीओ का आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम बात कर रहे हैं एनलॉन टेक्नोलॉजी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। देखा जाए तो आज के डेट में इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, करीब करीब हमको आज के डेट में देखा जाए तो 90% प्रीमियम पे ये चढ़ चुका है। ये कह सकते हैं आईपीओ का अमाउंट करीब करीब डबल हो चुका है। कल का और परसों के डेट में देखा जाए तो करीब करीब ये 60-70% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था। 1 तारीख को तो 73% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज है 4 जनवरी 2023 और अलॉटमेंट के दिन कल है, और उससे पहले ये 90% प्रीमियम पे चढ़ चुका है। यानी ये कह सकते हैं पैसा करीब करीब हमारा डबल हो चुका है। फिलहाल जैसा भी रुझान रहा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट आईपीओ के अंदर क्या रुझान है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को एक लाइक करो, साथ साथ में सब्सक्राइब। वेलकम बैक टू माई चैनल। हम बात कर रहे हैं रेक सीलिंग पैकिंग इंडस्ट्रीज़ के आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। आज फिलहाल उसका देख लेते हैं लाइव स्टेटस क्या है वो देख लेते हैं। देखा जाए तो इसके अंदर नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर का करीब करीब 2 टाइम सब्सक्रिप्शन आ चुका है, और रिटेल के बारे में बात करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के देखा जाए तो करीब करीब 3 टाइम सब्सक्रिप्शन आ चुका है इसके अंदर। यानी ये कह सकते हैं करीब करीब दोनों आईपीओ ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है, क्योंकि आज इसका आखिरी दिन है। और लास्ट दिन देखा जाए तो करीब करीब टोटल जो सब्सक्रिप्शन इसके अंदर आया है, देखा जाए करीब करीब 3 टाइम सब्सक्रिप्शन इसमें देखने को मिला हुआ है। और साथ साथ में देखते हैं आईपीओ को, अगर आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट डे कुछ खास रुझान दिखा नहीं। करीब करीब फर्स्ट डे 30 तारीख को देखने को मिला था करीब करीब 0.6 टाइम देखने को मिला था। सेकंड डे दिखाया जाए तो करीब करीब इसके अंदर 2 टाइम्स देखने को मिला, और थर्ड डे भी देखा जाए तो करीब करीब इसके अंदर 2 टाइम्स आया, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ डे यानी आज का आखिरी दिन था, करीब करीब देखा जाए तो आखिरी दिन 3 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, क्योंकि HNIs के अंदर करीब करीब 2 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है, और रिटेल के अंदर भी देखा जाए तो करीब करीब 3-3.5 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन आ चुका है, और टोटल सब्सक्रिप्शन हमको 3 टाइम्स देखने को मिले। चलो आईपीओ डिटेल देख लेते हैं, और साथ साथ में आज क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो भी देख लेते हैं। हम बात करें रेक सीलिंग एंड पैकिंग आईपीओ के बारे में। आज इसका आखिरी दिन है, देखा जाए तो 30 तारीख को आया था, 4 तारीख को क्लोज हो गया, आज इसका लास्ट दिन था। और सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो इसका फेस वैल्यू करीब करीब रखा गया है 10 रुपया फेस वैल्यू था। आईपीओ प्राइस 135 था, थोड़ा कॉस्टली मुझे लग रहा था ये आईपीओ, तो इसलिए इसके अंदर ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला। और लॉट साइज के बारे में बात करते हैं तो 1000 लॉट साइज था, और इशू साइज के बारे में बात करते हैं तो 8 करोड़ का ये इशू है, और टोटल फ्रेश इशू देखा जाए इसके अंदर 4 करोड़ है, और ऑफर फॉर सेल भी इसके अंदर 4 करोड़ का रखा गया है। इस आईपीओ की सबसे बड़ी निगेटिव पॉइंट जो देखने को मिली थी उसका ऑफर फॉर सेल था। हो सकता है ऑफर फॉर सेल होने की वजह से कि कुछ प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं, कैसे में कि आईपीओ के अंदर आप प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं, तो हो सकता है इसके अंदर सब्सक्रिप्शन कम देखने को मिले। जो देखने को मिला वही सामने आया। और देखते हैं आईपीओ की और भी डिटेल देखते हैं, और क्या डिटेल है इसके आईपीओ के अंदर देखते हैं। अगर इसकी लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो हमको ये BSE SME पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, और साथ साथ में इसका पी के बारे में बात करते हैं तो पी फिलहाल इसका 54 का है, और इसका मार्केट कैप के बारे में बात करते हैं तो करीब करीब 30 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और इसमें कोटा रखा गया था 50%, जो कोटा ऑफर हुआ था इसके अंदर HNIs को 50% ऑफर हुआ था, और हम जैसे आप जैसे रिटेल को जो शेयर्स ऑफर हुए थे वो भी 50% ऑफर हुए थे। चलो देख लेते हैं आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। बात करें रेक्स सीलिंग पैकिंग आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो आज है 4 जनवरी 2023। देखा जाए तो करीब करीब डिस्काउंट पे चल रहा है ये आईपीओ, 4% माइनस पे चल रहा है। कल देखा जाए तो करीब करीब 5% था, उससे पहले भी 3% था। यानी ये कह सकते हैं ये आईपीओ ऑलरेडी
डिस्काउंट पे ही ट्रेड कर रहा है। फिलहाल चलो देखते हैं, जैसा भी रुझान रहा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट आईपीओ। हम बात करें SVS वेंचर्स आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो इसके आईपीओ का लाइव सब्सक्रिप्शन कितना आया वो देख लेते हैं, क्योंकि आज इसका भी आखिरी दिन है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर के बारे में बात करते हैं, 0.5 टाइम्स देखने को मिला, क्योंकि ये आईपीओ भी पूरा टोटल ओवर सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं हुआ है। और रिटेल सब इन्वेस्टर के बारे में बात करते हैं तो देखा जाएगा 2 टाइम्स हो चुका है, यानी ये कह सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर 2 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन इसके अंदर आ चुका है। और टोटल सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं तो टोटल सब्सक्रिप्शन जो आया है हुआ है इसके अंदर 1.25 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन आया है इसके अंदर। और साथ साथ में अगर डे बाई डे के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो फर्स्ट डे भी इसके अंदर कुछ खास रुझान दिखा नहीं, करीब करीब 0.15 टाइम्स आया। सेकेंड डे करीब करीब दिखाया था 0.5 टाइम्स आया, और थर्ड डे देखा तो 0.8 टाइम्स आया, और लास्ट डे आखिरी दिन इसका था आज देखा जाए तो करीब करीब 1 टाइम्स इसका सब्सक्रिप्शन हो चुका है। और साथ साथ में हम बात करते हैं इसके आईपीओ के बारे में तो डिटेल देख लेते हैं, और साथ साथ में इसका क्या आज ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो भी देख लेते हैं। SVS आईपीओ के बारे में देखा जाए तो इसका टेंटेटिव टाइम टेबल देखते हैं। ये आईपीओ 30 को आया था, 4 तारीख क्लोज हो गया, आज इसका लास्ट डे था। जितना सब्सक्रिप्शन आया उस तरह का बहुत कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है आईपीओ में, बहुत कम सब्सक्रिप्शन आया हुआ है। और बेसिक अलॉटमेंट के बारे में बात करते हैं तो 9 तारीख को हमको इसके अंदर बेसिक अलॉटमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि 9 तारीख को है मंडे का दिन, और मंडे के दिन हमको इसके अंदर अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद रिफंड के बारे में बात करते हैं तो 10 तारीख को रिफंड हो जाएगा, और साथ साथ में 11 तारीख को डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। और लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो हमको लिस्टिंग इसके अंदर 12 जनवरी को लिस्टिंग होते हुए दिखाई देगी। और देख लेते हैं आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं, और आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो भी बात करें। SVS वेंचर्स के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में देखा जाए तो आज के डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम इसके अंदर ज़बरदस्त गिरा हुआ है। देखा जाए तो करीब करीब -30% पे चल रहा है, 30% डिस्काउंट पे चल रहा है ये आईपीओ। एक एसएमई आईपीओ, एसएमई आईपीओ के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, अगर उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अपने ओन रिस्क पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करने के बाद ही इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आईपीओ के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है एसएमई आईपीओ में। खासकर देखो करीब करीब आने से पहले इसके अंदर करीब करीब 25 से 30% ये माइनस में चल रहा है। फिलहाल देखते हैं, जैसे भी रुझान रहा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, साथ साथ में सब्सक्राइब कर देना। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें आरबीएन इंफ्राकॉम आईपीओ के लाइव सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखा जाए तो इसके अंदर ये आईपीओ 23 को आया था और 27 को क्लोज हो गया था। 36 रुपये प्राइस रखी गई थी, फेस वैल्यू 10 रुपया था, 8 करोड़ 37 लाख का आईपीओ था। एक एसएमई आईपीओ था जो हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा दिया, आज एनएससी एसएमई पे लिस्ट हुआ, जिसके अंदर एक लॉट के अंदर दिखाए तो करीब करीब 3000 शेयर्स रखे गए थे। और साथ साथ में आईपीओ का सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं, और साथ साथ में आईपीओ क्या क्या सब आज के डेट में लिस्टिंग हुई वो भी देख लेते हैं। और हम सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं तो देखा जाए तो लाइव स्टेटस इसके अंदर नॉन इंस्टीट्यूशनल का 46 टाइम्स आया था। रिटेल के बारे में बात करते हैं तो करीब करीब रिटेल का 34 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। और टोटल सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं तो 40 टाइम्स यानी 40 टाइम्स इसके अंदर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, जबरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। चलो देख लेते हैं इसका आज के डेट में क्या स्टेटस है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। और आज के डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारे स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो गया 50 रुपये पे करीब करीब। आज है 4 दिसंबर और 4 जनवरी, देखा है तो करीब करीब कल के मुकाबले डबल पेडली हुआ है, करीब करीब 20% से डायरेक्ट करीब करीब चला गया, ये 36% प्रीमियम पे चला गया। देखा है तो कल परसों के मुकाबले ये 13% चल रहा था, ऐसा था लिस्टिंग इसके अंदर बहुत कम देखने को मिलेगी, लेकिन जिस तरह की लिस्टिंग देखने को मिली ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई है, ओवर सब्सक्रिप्शन को या बम्पर लिस्टिंग को। फिलहाल अभी ट्रेड क्या कर रहा है वो भी देख लेते हैं साथ साथ में, और आईपीओ के अंदर क्या करना चाहिए वो भी देख लेते हैं। इससे पहले मैं कहूँ चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो, ताकि नई नई वीडियोज़ नई नॉलेज मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ। ओके, थैंक यू।